70 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रविवार को अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान ने रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी मेहमानों का स्वागत किया, जिसके बाद महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अयोध्या में प्रस्तावित महाराष्ट्र भवन की जमीन का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। इसके साथ ही यहां बनने वाले महाराष्ट्र भवन के लिए चिन्हित हुई जमीन को अच्छी लोकेशन पर मिलने की बात भी उन्होंने कही। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का उन्होंने धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने यहां 2.5 एकड़ में महाराष्ट्र भवन का भक्त निवास बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए महाराष्ट्र के अधिकारी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2 महीने के अंदर काम शुरू होने की उम्मीद भी जताई है। आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हजारों सालों से एक बहुत ऐसा रिश्ता बनाया रखा गया है और इसमें एक 22 जनवरी को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में रामलला जी को भव्य मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठापना होगी और हमें ये सौभाग्य मिला कि आज हम सभी लोग यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए आज देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं देश के लिए प्रधानमंत्री कर और हमें आज ही रामलला के दर्शन प्राप्त हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने घोषित किया था कि हर उस राज्य को अगर यहाँ पर सदन बनाना हो तो आप यहाँ पर जो उनकी जगह उन्होंने लेआउट तैयार किया हुआ था वो लेआउट के अंदर आकर आप यहाँ पर जगह आप बुक कर सकते हो। जैसे ही हमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से ये न्योता मिला, यहाँ पर रामलला के दर्शन के लिए लाखों भाविक यहाँ पर आते हैं, भक्तगण यहाँ पर आते हैं। महाराष्ट्र से भी बहुत से भक्तगण यहाँ पर नित्य नेम रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। तो हमने भी तय कर लिया सरकार की तरफ से, आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अजीत दादा और हमारे मंत्रिमंडल ने ये निर्णय कर लिया कि यहाँ पर हम एक 2.5 एकड़ जगह यहाँ पर हम लेकर एक भव्य ऐसा महाराष्ट्र सदन का भक्त निवास जो है वो भक्त निवास यहाँ पर तैयार करेंगे। जल्द ही ये जो जगह जो है मंदिर से 4 किलोमीटर के ऊपर है, नेशनल हाईवे से भी एकदम लगकर जगह ये है, पर एयरपोर्ट से भी 11 किलोमीटर के ऊपर जगह है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अच्छे लोकेशन के ऊपर ये जगह हमें प्राप्त की, इसलिए हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम खुद यहाँ पर इसलिए आए कि यहाँ के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे पूरी की पूरी जानकारी, इसका प्लानिंग हम कब से कर सकते हैं, इसकी काम करने की शुरुआत हम कब से कर सकते हैं, ये सब आज हमारे पीडब्ल्यूडी के महाराष्ट्र के सभी अधिकारी वर्ग यहाँ पर हम लोग इकट्ठा आए हैं। और हम सब लोग आज ही तय कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर हम हमारे काम की शुरुआत करेंगे और हमें पूरा यकीन है उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर जिस तरीके से काम लगातार
बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर जो तरीके से काम हो रहा है, हम उसमें सार्वजनिक बांधकाम विभाग के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र के माध्यम से एक योगदान जो देना चाहते थे वो देने के लिए हम सब लोग आए हैं। और हमें आज रामलला का दर्शन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से जो दिया गया, इसलिए भी हम सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।